हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं वी डिड इट विनिंग मूवमेंट ऑफ लाहौर कलंदर्स पीएसएल फाइनल देखेंगे हम और एक वीडियो और देखेंगे ड्रीम कम ट्रू पेइंग ट्रिब्यूट टू डीसीओ आकिब जावेद जो ओनर हैं इस टीम के। तो पहली बार जीतकर क्या एक्साइटमेंट रही है टीम में, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जीता कैच हुआ था इस बॉल पे, मैंने देखा था लास्ट में। ओ मैन द क्राउड गोइंग क्रेजी। एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे अभी, शाहिद सबसे लंबे हैं। इमोशनल मोमेंट हाफिज रऊफ, अग्रेशन, जीत की खुशी के साथ साथ जो अग्रेशन है यार सामने कर दिखाया वो वाला। यस यू आर द चैंपियन। दिल ऐसे 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 कर रहा होगा, पहली बार हुआ है ना इसलिए पहली खुशी अलग ही होती है। बस वी डिड इट। एक्साइटमेंट ओवरलोडेड है। ओह रिजू भाई मुबारक हो, मुबारक। हाइट थोड़ी कम है इनकी जो गोल में। ये कौन था? कॉन्ग्रेचुलेशंस। आकिब भाई ये उनको उनके पास बचे जो ओनर है इनके, आकिब जावेद। ट्रिब्यूट टू आकिब जावेद, ये ट्रॉफी उनके नाम। कदमों में ट्रॉफी रख दी। लाहौर कलंदर हैं, अमानत अली, शफकत अमानत अली ने हमारी नहीं है आपकी ये ट्रॉफी है ना का गाना बजा भाई, ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हैं। ओहो ये हैं ओनर, तो वो कौन है जिनका फोटो मूंछों वाले? हाय हाय इमोशनल कर दिया। आगे बढ़
बाकी भी आ रहे हैं कौन आ रहे हैं? सही है, कोनिया लड़ा रहे हैं। ट्रॉफी दे गए इनको हमारे अंदर गुलदस्ते के साथ। यार ये एंथम बढ़िया लग रहा है इसका, सबका तमाना तली के बाहर लग रही है, उन्हीं की है। ये थे भाई लाहौर कलंदर के विनिंग मोमेंट्स। आ हा हा यार, वो एक्साइटमेंट मैं फील कर रहा था यहाँ बैठ कर भी, मतलब देखने में भी ऐसा फील हो रहा था कि यार क्या इमोशंस होंगे। पहली बार जीत, एक तो पहली बार जीत हासिल हुई है उनको पीएसएल में, पहली बार ट्रॉफी उठाई है पीएसएल की, तो वो एक्साइटमेंट एक एक इंसान में दिख रही थी। हारिस अरूप के अंदर वो अग्रेशन दिख रहा था कि यार इस बार करना है, होता है ना, सब टीम्स के टीम मेंबर्स के अंदर होता है, कोई भी क्रिकेट मैच खेलते हैं हम या फिर कोई टूर्नामेंट खेलते हैं कि यार इस बात तो उठा के ले आना है। जब कोई 5-6 सीजन से कोई जीता ना हो, एक भी ट्रॉफी ना जीती हो, उसके अंदर तो यार हमेशा पहले सीजन से ही हुआ होगा, पहला नहीं जीता होगा, यार इस बार तो हमें लेना है, इस बार लेना है। तो सोचिए वो जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो जो अग्रेशन है, वो किस लेवल पर पहुंचता गया होगा। हर साल बढ़ बढ़ कर कहाँ तक पहुँच गया होगा। वो अग्रेशन हारिस रूप में दिख रहा था, लोगों में दिख रहा था, इनकी टीम में दिख रहा था कि यस वी डिड इट एंड हमने कर दिखाया। तो उस लेवल का मुझे अग्रेशन दिखाई दिया इसमें। यस वो अग्रेशन होना ज़रूरी भी है और बनता भी है यार, क्योंकि जीते हैं यार इतने सालों बाद, क्या बात है। आकिब जावेद ये थे, मुझे कंफ्यूजन था, मतलब आकिब जावेद मूछों वाले वो बंदा कौन है फिर, जो मतलब जिनकी कुछ पिक्स मैंने देखी हैं वायरल सी हो रही हैं, शायद मुझे कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे में कहेंगे कि विनिंग मूवमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे। वो कैच आउट होने के बाद रिजवान को इन्होंने गोद में उठा लिया था, वो मूवमेंट सही था, सारे लोग इमोशनल हो गए थे, एक दूसरे से कह रहे थे यस वी डिड इट। चीज़ जो इन्होंने हासिल की है फाइनल में, यस वो काबिल तारीफ है और इनकी मेहनत है, डिज़र्विंग हैं ये लोग। इन्होंने पूरी टीम ने मेहनत करी है तभी तो पहुँचे हैं वहाँ तक और जीते हैं। ट्रॉफी और गुलदस्ता लेकर आकिब जावेद के दरवाजे पर पहुँच गए थे और उनके कदमों में ट्रॉफी रख दी, मतलब शाहीन अफरीदी ने, लो जी आपका तोहफा हम लेकर आए हैं। आकिब भाई कर चीख रहे थे ना, तो वो जो गूंज रही होगी उनके अंदर, वो अंदर कमरा बंद कर मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं रोने ना लगे हों, इमोशंस के आगे कहीं पिघल ना गए हों, बह ना गए हों इमोशंस में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या फील कर रहे हैं लाहौर के जीतने के बाद। आप किसी के भी सपोर्टर रहे हों, आपको क्या लगता है डिजर्विंग था या नहीं था, ये भी आप बताएं। कोई बोल रहा था, शायद किसी ने मुझे कमेंट भी किया था एक वीडियो में, किसी ने तो कहा था कुछ कि ये मैच शुरू होने से पहले हमें पता चल गया था कि ये फिक्स था। भाई मुझे तो नहीं लगा फिक्स का, फिक्स करने वाला सीन होता तो 5-6 साल क्यों लगते इसको जीतने में, मतलब लाहौर को, ये एक मेरे अंदर सवाल है। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसा कुछ हुआ है सीन वहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में क्या, कोई बोल रहा है इस तरीके की चीज़ें कि फिक्स था, तो ये सीन अगर आपने सुना है या फिर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इन्जॉय करिए इस विक्ट्री को, बहुत दिन तक चलने वाली है आई थिंक लाहौर में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।